हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ब्रश टू मॉप ब्रशेस के रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पे ब्रस्टो का नेचुरल हेयर मॉप ब्रश और इस सेट में चार ब्रशेस आते हैं, 0, 2, 4 और 8। तो गाइस, ये ब्रशेस मेरे पास पहले भी थी, मैंने एक साल से ज़्यादा इन ब्रशेस को यूज़ किया है। ये वाले मेरे पुराने ब्रशेस हैं, ये वाले ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इन ब्रशेस का एक नया सेट है, तो चलिए जल्दी से इसकी अनपैकेजिंग कर लेते हैं। तो मैंने इन ब्रशेस को निकाल लिया है और इन ब्रशेस के पैकेजिंग के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और इन ब्रशेस का प्राइस यहाँ पे लिखा है 1059 रुपीज़, बट इनकी प्राइजेस अप डाउन होती रहती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है नेचुरल हेयर ब्रिसल्स जो गोट हेयर की है और ये वाटर कलर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो गाइस, इस सेट का जो 0 नंबर का मॉप ब्रश है वो नॉर्मली राउंड ब्रश में आप देखेंगे तो नंबर 8 से भी मोटा है, नंबर 12 हो जाएगा राउंड सेट में, और नंबर 8 का ब्रश तो 20 या 24 साइज के बराबर होगा। तो ये ब्रश साइज में बहुत ही बड़े हैं नॉर्मल ब्रशेस से, और इनके ब्रिसल्स नेचुरल हेयर है और ये बहुत सारा पानी और पिगमेंट कैरी करने के लिए बने हैं। और इन ब्रशेस का जो टिप है ये बहुत ही शार्प है, आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है इसमें। तो मैं अभी एक ब्रश को पानी में डिप कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा पानी होल्ड करता है, देखिए कितना ज़्यादा पानी होल्ड किया है इसने। अभी भी इसमें पानी है, थोड़ा बहुत निकल रहा है, देखिए। तो ये बहुत पानी कैरी करता है और इसके साथ पिगमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत है इसकी, बस इतना ही तो चाहिए हमें वाटर कलर करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका वाटर और पिगमेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो मैं यहाँ पे नंबर 4 का ब्रश ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिम्सन और अल्ट्रामरीन ब्लू का एक मिक्सचर बनाऊंगा, पर्पल टाइप का एक कलर बनाऊंगा मैं यहाँ। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो अब देख सकते हैं इसकी वाटर और पिगमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, अभी तक चल रहा है, इसमें अभी भी कलर और पानी है। तो आप देख सकते हैं इस पेज का आधा इस ब्रश से मैंने कवर कर दिया है, और नंबर 8 के ब्रश से तो आप पूरा पेज ही कवर कर सकते हैं। तो बड़े बड़े जगहों में वॉश देने के लिए ये आपके बहुत काम आएगा। तो अभी होगा फाइन टिप टेस्ट, तो ये वाला टेस्ट मैं नंबर 8 के ब्रश से करूँगा क्योंकि ये सबसे मोटा वाला ब्रश है। तो मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इतने मोटे ब्रश से भी मैं पतली पतली लाइंस आराम से खींच रहा हूँ क्योंकि इसका पॉइंट बहुत ही अच्छा है। आप इससे बड़े बड़े जगह के वॉश भी दे सकते हैं और डिटेल के काम भी कर सकते हैं, इजीली लाइंस खींच रही है पतली पतली लाइंस, वो भी नंबर 8 के ब्रश से। तो थोड़ा बहुत काम करता हूँ मैं इससे, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट वॉश दे दिया। नीचे की तरफ में टहनियों की तरफ पतले पतले लाइंस खींच रहा हूँ, तो इसका फील पेड़ों जैसा आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे ब्रशेस है वाटर कलर के लिए।
इसका बस एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नेचुरल हेयर ब्रश है इसलिए इसके थोड़े बहुत हेयरफॉल्स होते हैं। बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाया है ब्रश हेयरफॉल के ऊपर कि कैसे आप ब्रश के हेयरफॉल प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, तो आपके ब्रशेस ख़राब नहीं होंगे जल्दी और उनकी हेयरफॉल भी नहीं होंगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।